हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, अगेन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सी नेक डिज़ाइन लेकर के आई हूँ और बहुत ही इजी स्टेप में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पर सिंपल बुकरम ले रहे हैं, कोई भी चिपकाने वाला बुकरम नहीं है, सिंपल बुकरम है मीटर वाला, उसी से हम नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। फर्स्टली यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने 7 इंच का निशान लगाया है लंबाई में बुकरम पे, और कुछ इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है डबल फोल्ड। अब डबल फोल्ड करने के बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा वाला बुकरम है उसको कट करके हम हटा देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसका भी कोई भी यूज़ नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई हमने ले ली है 7 इंच की, और उसके बाद में हमें गले की चौड़ाई लेना है। यहाँ पर हम 3.5 इंच की गले की चौड़ाई ले रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा फैला गला नहीं पहनना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से इसको कम भी कर सकते हो। यहाँ पर हम थोड़ा सा फैला गला पहनने वाले हैं, जो डिज़ाइन देंगे उसके हिसाब से हमें 3.5 इंच ही चौड़ाई रखनी है। अब इस तरीके से हमें दोनों साइड से ज्वाइन कर लेना है, और इसमें अब हमें सर्कल का इस तरीके से शेप देने वाले हैं। आपने पान गला तो देखा ही होगा, सेम हमें पान के गले पे डिज़ाइन देना है। और उसके बाद 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद में इसमें कुछ इस तरीके से हमें निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद में हमने जो निशान लगाया है उसी पे हम इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और अब हमने जो दूसरा हिस्सा निशान लगाया था उसको भी हम कट करके निकाल लेंगे। अब हमारा जो गला है वो बुकरम पे कट के रेडी हो गया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देख सकते हो जो हमारा गला है कुछ इस तरीके से कट के रेडी हो गया है। अब हम एक रफ़ कपड़ा लेंगे, और रफ़ कपड़े पे कुछ इस तरीके से जो हमने बुकरम कट किया है इस पे इस तरीके से पेस्ट करना है। मैंने पहले ही बताया सिंपल है, इसको आपको आयरन से नहीं चिपकाना है, इसको आपको सिलाई से इस पे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉर्नर एरिया से इसको सिलाई लगाना है कुछ इस तरीके से। ध्यान रहे जैसा मैं लगा रही हूँ सेम आपको भी इसी तरीके से लगाना है। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आती है, अगर आप भी इसको बनाना चाहते हो तो इसी तरीके से सेम करना है। बहुत ही इजी स्टेप मैं बताऊंगी गाइस, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को दिखाऊंगी भी बताऊंगी भी, ताकि आप भी जो भी नए हैं व्यूवर्स वो भी इस तरीके की डिज़ाइन अपने कुर्तीज पे या फिर सूट्स पे बना सकें। तो देखिए हमने कुछ इस तरीके से सिलाई की मदद से इसको पेस्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने बुकरम जहाँ पे पेस्ट किया वहाँ से 1-1 इंच का फिर से थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है फैब्रिक। उसके बाद से हमें कट कर लेना है जिस शेप में हमारा हमने गले को पेस्ट किया हुआ है बुकरम, जिस डिज़ाइन में बुकरम को पेस्ट किया हुआ है उसी डिज़ाइन में हमें फैब्रिक भी कट कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम कट करके निकाल लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है उसको हटा देंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमने एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक लिया है मार्जिन में उसको अब इस तरीके से फोल्ड करते हुए जाना है, ताकि हमारा जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस सिंपल बुकरम पे भी आ जाए। तो फटाफट मैं आपको सिलाई लगाते हुए दिखाते जा रही हूँ और ये बताते जा रही हूँ इसके बाद भी क्या करना है। एक चीज़ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी, जो भी हमारे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हम आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आप लोग मुझे इतना सपोर्ट किए तभी मेरा इतना चैनल आगे बढ़ गया। बट कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरे चैनल पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। सेकेंडली हमने वहाँ पर उसको पेस्ट कर लिया है। अब हमें एक और रफ़ कपड़ा लेना है। रफ़ कपड़ा हम किस लिए ले रहे हैं, अभी पहले हम सिलाई लगा लेते हैं उसके बाद में आपको बताते हैं। तो रफ़ कपड़ा इस तरीके से लेना है, और दूसरी बार भी हमें जैसे हमने डिज़ाइन बनाई है उसी तरीके से सिलाई की मदद से दूसरे फैब्रिक पे भी पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद में हमें अब यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है मार्जिन के लिए, बस जहाँ से हमने सिलाई किया बस उसके बाद से ही बराबर से कट कर लेना है। अब ये देखिए हमें बुकरम को छुपाना है कपड़े से, तो हमने इसलिए इसको इस तरीके से डबल पेस्ट किया हुआ है। अब अंदर की ओर से जो हमारा गला बना हुआ है वहाँ से हम कट करके सारा फैब्रिक को निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। ध्यान रहे हमने सिलाई पे नहीं कट करना है, सिलाई पे अगर कट कर देंगे तो हमारी जो हमने पेस्ट किया हुआ है बुकरम फिर से खुल जाएगा। अब ये जो हम कट लगा रहे हैं ये इसलिए होता है कि हमारे जो कॉर्नर एरिया पे या फिर ट्राइंगल के शेप में जो डिज़ाइन है वहाँ पर फिनिशिंग लाने के लिए ये कट हम ज़रूर करते हैं।
हैं तो आप भी ज़रूर करिएगा। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने बुकरम को छिपाने के लिए यहाँ पे डबल पेस्ट फैब्रिक लिया हुआ है और फैब्रिक को इस पे, बुकरम को इस पे पेस्ट कर दिया है डबल फैब्रिक पे। अब इस तरीके से पेस्ट करने के बाद में हमें कॉर्नर से, एकदम कॉर्नर से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाना है और ध्यान रहे अच्छे से टाइट से हमें फैब्रिक को पकड़ना है ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो और फिनिशिंग्स भी अच्छे से आ जाए। तो चलिए फटाफट मैं आपको सिलाई लगाकर दिखा देती हूँ। एक चीज़ और गाइस, जिसको भी हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करना है वो अदीफा क्रिएशन के नाम से जाकर फॉलो कर सकता है। वहाँ पे भी मैं नई नई वीडियोस और कुछ ड्रेसेस वगैरह भी अपलोड करती हूँ जिसे आप शॉपिंग भी कर सकते हो बहुत ही अच्छे प्राइस में, और बहुत सारी अपडेट्स आपको नई नई वहाँ पर मिलने वाली है, तो अभी जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हमने कुछ इस तरीके से सिलाई को लगा लिया है। सिलाई को लगाने के बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमारा नेक है वो कुछ इस तरीके से आया है। अभी भी इसमें बहुत सारी डिज़ाइनें बाकी हैं तो चलिए अब उसको हम कर लेते हैं। जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं इस कुर्ती पे बनाने वाले हैं, इस कुर्ती के बॉटम पे भी एक डिज़ाइन थी उसको मैंने कट करके निकाला है, उसका यूज़ अभी हम बाद में करने वाले हैं। तो अब इस डिज़ाइन में जो हम नेक बनाने वाले हैं उस पर कुछ इस तरीके से हमें 2-2 इंच का स्क्वायर के शेप में फैब्रिक चाहिए और हम 2-2 इंच का इस तरीके से कट कर लेंगे, कई सारे पार्ट्स कट कर लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से कट करना है। 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई, अब एक के ऊपर एक रख करके हमें सारा इसी तरीके से कट कर लेना है, कुछ कम से कम 10 या 12 पीसेस। अब इसका हम करने वाले हैं एक ट्रायंगल शेप बनाने वाले हैं ताकि हम जो नेक की डिज़ाइन देने वाले हैं, अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये सारे नेक चल रहे हैं कुर्तीज़ पे, सूट पे, तो हमने सोचा आप लोगों के लिए एक बार ट्राई करें और आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से वीडियो बनाएं ताकि आप भी इसको बना सको। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से ट्रायंगल का शेप बनाया। ट्रायंगल के शेप के बाद हम इसको सिलाई कर लेंगे, हम डायरेक्ट अपने फैब्रिक पे पेस्ट नहीं करने वाले हैं, पहले इस तरीके से हम ट्रायंगल का शेप सारा बना लेते हैं ताकि हमारा जो नेक है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में बने। तो चलिए फटाफट हम ट्रायंगल शेप सारे बना लेते हैं ताकि हमको आगे की डिज़ाइन बनाने में आसानी हो और आपको भी समझने में आसानी हो। तो ये देखिए हमने सारे ट्रायंगल बना लिए हैं। ट्रायंगल बनाने के बाद में हम सारे ट्रायंगल को कट कर लेंगे। ध्यान रहे हमें सिलाई नहीं कट करनी है, बस बीच का हिस्सा कट करना है जो हमने ज्वाइन किया हुआ है। फाइनली ये देखिए हमने सिलाई कर लिया है। अब मैंने आपसे कहा था ये हमारी कुर्ती है, इसके बॉटम पे एक डिज़ाइन बनी हुई थी तो मैंने सोचा बॉटम पे इतना यूज़ अभी इतना ट्रेंडिंग में नहीं चल रहा है तो हम उसका यूज़ अपने फ्रंट नेक पे क्यों ना कर लें। तो यहाँ पर हम उसका यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले बीच का हिस्सा हम कुर्ती का देख लेंगे और ये देखिए जो हमने डिज़ाइन की बात करी थी बॉटम पे, ये है हमारी डिज़ाइन। तो इसको हम कट कर लिया है और इसको अब हम फ्रंट पे लगाने वाले हैं। तो अब इसको अभी बीच का हिस्सा देख लेंगे क्योंकि बीच में कुछ 100 बटन की सैंपल में यहाँ पर लगे हुए हैं तो हम यहाँ पर इसका बीच का हिस्सा भी देख लेंगे, यानी कि कुर्ती का बीच का हिस्सा और इसका बीच का हिस्सा पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में हमें अपने कुर्ती का सीधा हिस्सा रखना है और जो हमने बॉटम का हिस्सा कट किया है उसका उल्टा हिस्सा कुछ इस तरीके से पेस्ट करना है बीचों बीच से और सिंपल सीधी सी सिलाई इसमें लगा लेनी है। तो आप भी जानते हो इस टाइप के बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में नेक चल रहे हैं और ध्यान रहे आपको जितनी लंबी पट्टी पहनना है उतनी ही लंबी अटैच करना है। यहाँ पे मैं 15 इंच की पट्टी लगा रही हूँ, साइज़ आपको दिखाना भूल गई बट मैं आपको बता देती हूँ। अब ये देख सकते हो बॉटम पे हमें कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक का यूज़ नहीं करना है, सिंपल इसी तरीके से फोल्ड करना है और एकदम सिंपल तरीके से सीधी सिलाई लगा लेनी है, कुछ इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जाना है और एकदम कॉर्नर पे नीचे साइड पे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है स्क्वायर के शेप में और ऊपर की तरफ फिर से सिलाई लगाते हुए आ जाना है। तो ये देखिए हमने पूरी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में हमें अब यहाँ पर फिर से कुर्ती का बीच का पार्ट देखना है। बीच का पार्ट देखने के लिए हम डबल फोल्ड कुछ इस तरीके से कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में अब हम इसमें फिर से एक बार नेक की कटिंग करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ।
अब इसमें कोई भी बुकरम का यूज नहीं करने वाली, सिंपल डायरेक्ट हम कुर्ती पे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई हमने 3.5 इंच लेनी है, जैसे कि मैंने बुकरम पे कट किया हुआ था, सेम यहाँ पर भी हमें कट कर लेना है। ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से 3.5 इंच पे निशान लगा दिया है चौड़ाई पे गले की। अब यहाँ पर गले की लंबाई हम लेने वाले हैं, तो गले की लंबाई हम यहाँ पर 6 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट फैब्रिक पे कट कर रहे हैं। फैब्रिक क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ता है, इस वजह से हम थोड़ा सा कम ही इसको लेते हैं। अब यहाँ से गोल का शेप देने वाले हैं क्योंकि हमने जो डिज़ाइन बनाई है गोल के शेप पे बनाई है, और जो हम ट्रायंगल का यूज करने वाले हैं गोल के शेप पे ही करने वाले हैं। तो अब हमने जहां से मार्क किया है वहीं से इसको कट कर लेंगे एक बार फिर से। कट करने के बाद आप देख सकते हो ये हमारा जो गला है वो कट चुका है, कट के रेडी हो गया है। अब हम बात करते हैं जो हमारा गला है उसको अब दूसरे फैब्रिक पे पेस्ट करना है। सिंपल हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक फिर से लेना है, और जो डिज़ाइन हमने अभी डायरेक्ट कुर्ती पे कट की है सेम उसी हिस्से पे हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने कुछ इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। फाइनली हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जो हमारा बीच का हिस्सा है गले का उसको कट कर लेंगे। ध्यान रहे हमें सिलाई पे कटिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ बीच के हिस्से पे कटिंग करनी है। और ये हमने यहाँ पर बीच का पार्ट निकाल लिया है। अब हमें 1-1 इंच का फिर से मार्जिन लेना है, जैसा कि हमने पहले लिया हुआ था गले पे, सेम यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्जिन लेकर के फैब्रिक जो एक्स्ट्रा वाला होगा उसको कट करके हटा देंगे। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से कट करके हटा दिया है। अब हमको कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करना है, तो फोल्ड तो हम बाद में करने वाले हैं। अब बारी है हमारे ट्रायंगल की, जो हमने ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो अब चलिए हम ट्रायंगल को किस तरीके से इसमें अटैच करना है वो दिखा देती हूँ। ध्यान रहे इसको हमें जो हमारी बीच की सिलाई है वहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और बिल्कुल भी गैप नहीं करना है, बस इसके पॉइंट टू पॉइंट हमें ट्रायंगल रखते हुए जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। बीच की सिलाई पे अगर हम लगाते हैं तो हमारा ना ऊपर ना नीचे दोनों साइड कहीं से भी सिलाई नहीं दिखने वाली, और आसानी से इस पर पेस्ट भी होने वाला है ये। तो चलिए फटाफट हम ट्रायंगल को लगा लेते हैं। लगाने के बाद में क्या करना है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये हमारे ट्रायंगल बन चुके हैं। अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने से पहले अब हमारे जो हमने जो बुकरम पे डिज़ाइन बनाई थी गले की उसका यूज़ अब यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो इसको क्या करना है, बीच के पार्ट से जहाँ से हमने पट्टी लगाई हुई थी वहाँ से, और जो वी का शेप है बुकरम वाले गले की वहाँ पर हमें रखना है, यानी कि दोनों हिस्सा बीच में रख करके हमें कुछ इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखिए ध्यान रहे ट्रायंगल हमें ऊपर ही रखना है। और इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी अटैच कर देना है अपने बुकरम वाले गले पे। ये देखिए हमने बीच से इसलिए लगाया है कि जो हमारा बीच का पार्ट है बिल्कुल इक्वली आई, अगर ऊपर से थोड़ा सा अप डाउन भी होता है तो वो वहां से फैब्रिक कट सकता है। तो इसलिए हमने जब भी गले को बनाना है बीच के पार्ट से बनाना है। और आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से और फिनिशिंग के साथ में ये गला बस बन के रेडी ही होने वाला है। लास्ट में इसका लुक किस तरीके से आएगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फाइनली हमारा जो गला है वो बन के रेडी हो गया है। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी और ये नेक डिज़ाइन भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो भी हमारे चैनल पे आए होंगे वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं अब डेली बेसिस पे वीडियोस डालने वाली हूँ, जैसा कि मैं अपनी अभी पिछली वीडियो में भी कहा है, बहुत सारी कटिंग्स की वीडियो मैं लेकर के आने वाली हूँ। कुछ ट्रेंडिंग कुर्तीस, कुछ ट्रेंडिंग टॉप्स वगैरह भी जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो सारी वीडियोस लाऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।